यूपी विधानसभा में आज जीएसटी विधेयक पास हो गया। आज सदन में जीएसटी विधेयक को पेश करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जीएसटी देश में आर्थिक संघवाद और आर्थिक सुधार की तरफ बड़ा कदम है। सीएम ने सभी पार्टियों से जीएसटी पास कराने के लिए सहयोग की मांग की। चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी ने जीएसटी विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की मांग की, लेकिन चर्चा के बाद सदन ने जीएसटी विधेयक को पास कर दिया। वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित हैं, ये विभिन्न प्रकार के जो कर हैं, इन सब में एक रूपता लाई जा सके, एक टैक्स लागू हो सके, इस दृष्टि से व्यापक सहमति के बाद जीएसटी काउंसिल और उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्ववर्ती सरकार ने भी जीएसटी काउंसिल की 11 मीटिंगों में भाग लेकर के अपने जो बृहद प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे उनको जीएसटी काउंसिल ने भी अपनी सहर्ष सहमति दी। और उसके उपरांत आज एक अवसर हम सबके सामने आया है कि हम उत्तर प्रदेश विधानसभा से भी जीएसटी बिल को पास करके भेजें और देश के अंदर आर्थिक सुधार की दिशा से जो महत्वपूर्ण एक प्रस्ताव हम सबके सामने आया है, क्योंकि हम सामाजिक समता की बात करते हैं लेकिन सामाजिक समता के साथ साथ आर्थिक समता जब तक नहीं आएगी तब तक यह भेदभाव इसी प्रकार से बना रहेगा, चाहे उसकी चपेट में व्यापारी आए, चाहे उसकी चपेट में उपभोक्ता आए या समाज का कोई भी तबका आए। इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।